हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलम शर्मा आपके चैनल सुरभि सहेली में आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं इडली और चटनी, जो कि सब कोई बहुत पसंद करता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इंस्टेंट इडली बनाने के लिए 2 कटोरी सूजी ले लेंगे और 1 कटोरी दही ले लेंगे। सूजी का आधा हिस्सा दही रहता है और फिर इसमें हम डालेंगे नमक। इसके बाद फिर इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम पानी डालेंगे। पानी लगभग 1.5 कटोरी है, लेकिन इसको आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम आधा घंटा के लिए ढक के रख देंगे। जब तक ये तैयार हो रहा है, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए दोस्तों, देखिए ये चने की दाल हम ले लिए हैं। इसको आधे घंटे हम फुला के रख दिए थे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन गरम कर लिए हैं। इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, फिर थोड़ी राई डालेंगे, मिर्च डालेंगे, राई डाल दिए। फिर इसमें हम डालेंगे करी पत्ती या मीठी नीम की पत्ती। फिर इसमें चनों को हम डाल के क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चना क्रिस्पी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसको फिर हम ग्राइंडर में लेंगे। ग्राइंडर में ये भुनी हुई मूंगफली हम ले लिए हैं, चना डाल दिए हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया, फिर अदरक डालेंगे, मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तीखा खाना हो थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। हम यहाँ 4 से 5 मिर्च ले लिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू और नमक। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डाल दिए हैं नमक और नींबू। नींबू जिस हिसाब से हमारी चटनी है, हम 1 से 2 नींबू लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब इसको हम साइड में कर देते हैं और इडली बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इडली का बैटर हमारा रेडी है। इसमें थोड़ा सा पानी और हमें लग रहा है ज़रूरत, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। और इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा इनो। इसको फटाफट मिक्स करेंगे, जिससे इसके बबल्स जो है वेस्ट ना हो। ये देखिए, इसके बाद हम इडली का साँचा ले लिए। इसको ग्रीस कर देंगे। सारे साँचों को हम इस तरह करके ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें अब डालेंगे बैटर। थोड़ा सा अंदर ही रहने देंगे, जिससे कि फूलने के बाद ये थोड़ा ऊपर होगा। इस तरह पूरा साँचों में हम इडली का बैटर भर दिए हैं। अब इसको हम कुकर में, हमारा पानी बॉयल हो चुका है, और इसमें हम डाल देते हैं इडली का साँचा। इसको डालने के बाद हम बिना सीटी का ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन लगाने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। और जब ये सीटी वाले स्थान से जब वेपर अच्छे से निकलने लगेगा, तो फिर हम इसको लो फ्लेम करेंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट रखेंगे। उसके बाद इसे हम खोल के चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, अब ये हम खोल रहे हैं। इसको हम एक चक्कू ले लेंगे, चक्कू के हेल्प से देखेंगे कि इडली हमारा हो गया है या नहीं। ये देखिए, चक्कू हमारा साफ निकल आया है, तो इसका मतलब कि इडली हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इडली को हम साँचे में से निकाल लेते हैं। और ये आप देखिए, कितनी फुली फुली इडली निकली है मेरी। वाव, देखिए कितनी स्पंजी है। आप देख पा रहे हैं कितनी इसमें आई है जालियाँ।
तो इसको फ्राई करने के लिए हम हाफ हाफ कट लगा देंगे, जिससे कि फ्राई अच्छे से होता है और टेस्टी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, कढ़ाई हम ले लिए हैं, गरम कर दिए हैं, इसमें तेल डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, फिर इसमें डालेंगे राई, फिर इसमें हम डाल देंगे मीठी नीम के पत्ते। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, जब ये तड़कने लगेगा तो फिर इसमें हम प्याज डालेंगे, मिर्च डालें, इसके बाद फिर हम प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा सा लाल करना ज़रूरी है, जिससे कि टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आता है। तो इसको हम पहले हाई फ्लेम पे किए हैं, उसके बाद फिर मीडियम पे कर देंगे। तो ये लाल करना है हमें चलाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, लाल हो रहे हैं। अब इसमें हम डाल दिए इडली। इडलियों को डाल के 2 से 3 या 2 मिनट मैक्सिमम सही रहेगा, चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे। और ये अब रेडी है चटनी के साथ, आप इसका टेस्ट लीजिए। तो फ्रेंड्स लीजिए, चटनी और इडली एकदम रेडी है, इसको आप एंजॉय कीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।